हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आपने देख ही लिया होगा कि हम लोग आज फिर जा रहे उत्तराखंड ट्रैवल। उत्तराखंड फिर ज़रूरी काम था गाइस, आपको पता है जो ज़रूरी काम था पहले जब बाइक में गए थे तो वो काम तो हो गया था घर ले, तो वो काम तो हो गया था, ऐसे ही लोगों से मिलने चला गया था। तो फिर अब मैं आज, फिर आपने देखा था दो दिन पहले मैं किसी के साथ वहाँ गया था, पता नहीं। और आपने एक वीडियो में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग जा रहे उत्तराखंड हल्द्वानी, क्योंकि गाइस आपको पता है कि हम लोग आज फिर से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि गाइस आज मैं बाइक से नहीं जाऊंगा। गाइस आपको पता है हम पहले बाइक में गई है, देखिए ये है दूसरी बाइक जिससे आप लोग आपने लास्ट वीडियो में देखा ही लिया था, हम इस वाली बाइक से गए थे ड्यूक 290 से। और ये देखिए, ये मेरे नए बाइक ले ली है ड्यूक 200। तो गाइस हम लोग इससे नहीं जाएंगे, क्योंकि गाइस आपको पता है दो दिन पहले बाइक में आए थे तो कितनी हालत ख़राब हो गई थी। तो गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं इस गाड़ी से, इस गाड़ी का नाम है महिंद्रा थार। ये है महिंद्रा थार 4x4। ये देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मस्त है, 5 स्टार। ये पूरा चैलेंज जो भी आप इससे कोई सा चैलेंज भी ऑफ रोडिंग कर लीजिए, इसको कुछ मीन ये चढ़ जाती है। तो गाइस अब हम लोग पहाड़ों में करेंगे। तो गाइस आपको पता है कि हम लोग बाइक में जाते तो हवा लगती है, पर गर्म हवा लग गई थी। आपको पता है मैं हेलमेट डाल के मुंह पे हवा नहीं लगी थी। तो गाइस आपको पता है, अरे यार मेरी बाइक गिर गई, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो गाइस इसीलिए आज हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं। अगले वीडियो में जब अगले वीडियो में जाएंगे तो फिर बाइक से चले जाएंगे, अपनी इस वाली बाइक से ड्यूक 200 से, या कावासाकी निंजा। गाइस आपको पता है जो कावासाकी निंजा है वो मैंने अभी ऐड नहीं कराई है, कावासाकी निंजा भी जल्दी आने वाली है, H2R जल्दी आने वाली है हमने, पर उसका कोड रिलीज़ हो चुका है, पर कावासाकी निंजा का भी कोड नहीं पता है मुझे। जब उत्तराखंड जाएंगे तब आ जाएगी और हम उसी से जाएंगे, क्योंकि गाइस आपको पता है उसकी बिल्ड कितनी तेज़ भागती है, जल्दी पहुंच जाते हैं। पता नहीं ड्यूक में पावर ही नहीं है, आपको पता है गाइस आपको पता है ड्यूक में पावर नहीं है, पर गाइस आपको पता है ड्यूक 200 में पावर नहीं है, पर पता नहीं इस वाली बाइक में पावर ही नहीं आ रही है। इससे अच्छा तो कावासाकी निंजा ही से ही जाएंगे अगली बार से। अब हम लोग जाएंगे लास्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कावासाकी निंजा से। अब हम लोग जल्दी से जाते हैं, पैकिंग करते हैं। वैसे भी 6 बजे सुबह निकलने का प्लान है, अभी उजाला हो गया है, धूप धूप भी आ चुकी है, अब जल्दी से पैकिंग करते हैं। तो गाइस मेरी पैकिंग भी हो चुकी है, अब हम जल्दी से चलते हैं, अब गाड़ी निकालते हैं बाहर पहले, फिर हम लोग फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट भी करती है, अब चलते हैं निकलते हैं जल्दी से। ये रहे हमारी गाड़ी, आज हम लोग थार से जाएंगे। ये देखिए हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये रही अपनी थार, और निकाल देते हैं पहले तो गाड़ी बाहर निकाल दो। अब हम लोग चलते हैं, अब गाड़ी से उतर जाते हैं और अब जल्दी से सामान रखते हैं। तो गाइस सारा सामान भी रखा चुका है, अब जल्दी से चलते हैं। गाइस आपको पता है थार में ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है, अब चलते हैं शुभिया। तो अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से, अभी दिखा रहा है, अभी तो बहुत दूर है यहाँ से 600 किलोमीटर। तो गाइस 600 किलोमीटर हमको जाना है, जो कि दिखा रहा है 8 घंटे लग। तो गाइस अब हम लोग जल्दी से चलते हैं, शुभ यात्रा शुभ यात्रा।
तो हम सिटी से बाहर निकल चुके हैं और मस्त मस्त गाड़ी चल रही है, मज़ा आ रहा है गाड़ी वैसे भी चलाने में। तो गाइस अभी तो सन भी निकल चुका है, यार गाड़ी संभल ही नहीं रही ये वाली। तो यार इसकी स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हल्की है, वैसे भी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। अरे वैगनार, अरे नहीं 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 नहीं, मुझे लगा ठुक जाएगी पर ठुक ही नहीं रही है गाड़ी। अरे लैम्बोर्गिनी सामने आ गई। तो गाइस 417 किलोमीटर जो कि दिखा रहा है 8 घंटे लगेंगे, ये तो 8 घंटे दिखाएगा पर हमको 10 घंटे लगेंगे, पर बिकॉज अभी हम आराम से रुकते हुए जाएंगे, गाइस मुझे जल्दी से मुझे चाहिए खुला रास्ता और यहीं से मैं ये मोड़ लेता हूँ। अरे 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 ऐसे ऐसे रास्ते में लैम्बोर्गिनी लाने का मज़ा ही नहीं है, क्योंकि गाइस लैम्बोर्गिनी आपको पता है लैम्बोर्गिनी में कोई अटैची वटैची आई नहीं पाती है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी बहुत छोटी है और नहीं बड़ी है थोड़ी सी, पर वो तो पर बस बताएं वो नीची है, पर बस पर वो नीची है। मान लीजिए अगर उसका बम्पर टच कर दिया तो मम्मी बहुत डांटेंगी और फिर रिपेयर कराने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, तो गाइस अभी मैं बहुत तेज झपका रहा हूँ, तो गाइस इससे अच्छा तो मैं 120 भगाता हूँ। ये देखिए अभी मैं 120 पे चला रहा हूँ। गाइस आपको पता है थार पे, पता नहीं थार में ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि गाइस आपको पता है थार इतनी थार थोड़ी सी छोटी है, पर ये लोग हट ही नहीं पाते हैं, पर 6 लोग आ जाते हैं पर कंफर्टेबली, पर 7 लोग पता नहीं, 7 लोग देखो एकदम अनकंफर्टेबल आते हैं, छोटी है। वैसे थार बहुत ज़्यादा ऊंची है गाइस आपको पता है, 4x4 मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची। ये देखिए गाइस, पर गाइस आपको पता है 4x4 अगर एक काम करते हैं, ये थार भी 4x4, फॉर्चुनर भी 4x4, लेजेंडर, गाइस आपको पता है लेजेंडर बहुत ज़्यादा लंबी है, लेजेंडर 4x4, फॉर्चुनर लेजेंडर 4x4। गाइस आपको पता है इसका भी जल्दी अपडेट, उसका भी अपडेट आने वाला है, अभी देर लगेगा, कम से कम अभी 1 महीने लगेंगे उसको आने में। यार गाइस आपको पता है बस रोल्स रॉयस का आने वाला है, बस मैंने आपने देखा था आर्टिक गेमिंग, रोहित गेमिंग स्टूडियो, आप देख ही लिए होंगे, रोल्स रॉयस का बस आने वाला है कुछ दिनों में, फिर आप लोगों को रोल्स रॉयस दिखने को मिलेगी हमको, फिर उसका चीट को बस न्यू अपडेट आने वाला है, फिर चीट कोड भी रिलीज हो जाएगा। वैसे आपको पता है बुगाटी का भी आ चुका है। गाइस आपको एक बात तो बताना भूली कि घोस्ट राइडर बाइक का, गाइस आपको पता है घोस्ट राइडर बाइक का क्या खतरनाक है, इस उससे जो कार भी टकरा जाए फूट जाती है और हवा में घोस्ट राइडर बाइक उड़ जाती है। गाइस आपको पता है कितनी और गाइस आपको पता है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बाइक यहाँ की है हायाबूसा, हायाबूसे से तो सबसे ज़्यादा घोस्ट राइडर बाइक की याद कावासाकी निंजा, कावासाकी निंजा आपको पता है कितनी तेज भागती है, याद हायाबूसा आपको पता है कितनी भारी है यार उठाने में, अगर जैसे ही आप उठाओगे उठाते भी एक ही मिनट लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी भारी बाइक है। वैसे मुझे जो मेरी ड्यूक है वो काफ़ी हल्की है, गाइस आपको पता है, अब मैं बताता हूँ आपको कि वो हल्की क्यों है, क्योंकि गाइस आपको पता है वो हल्की इसलिए है क्योंकि बताऊँ कि क्योंकि वो जल्दी उठ जाती है 1 सेकेंड में, और हायाबूसा 1 ही मिनट में या दो तीन मिनट लग जाते हैं उसको उठाने में, तो काफ़ी सबसे ज़्यादा भारी बाइक तो हायाबूसा ही तो है। गाइस आपको पता है हायाबूसा सबसे भारी है, सबसे पावरफुल। अरे गाइस मैं आपको एक बात तो बताना भूली क्या, यहाँ पे एक्टिवा का भी कोड आ चुका है,
तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, फाइनली पहुंच चुके हैं। अरे यार लड़ गई गाड़ी क्या? नहीं, बस सामने से कुछ नहीं हुआ, बस थार इतनी बुलेट प्रूफ है, आपको पता है गाइस। और कल हम लोग अपने घर निकल जाएंगे और हम लोग कल अपने घर सीधा भाग जाएंगे। तो गाइस अब मैं जल्दी से चलता हूँ। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं, ये रहा मेरे दोस्त का घर। अब हम लोग गाड़ी काम करते हैं, छाया में पार करते हैं। ये रहे मेरे दोस्त के कमरे, ये रहे मेरा दोस्त का कमरा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गाइस गाड़ी यहीं पर पार्क कर देता हूँ मैं। गाइस ये क्या, मुझे तो धूप लग रही है इतनी। अब गाड़ी गाड़ी गाइस यहीं पार्क कर देता हूँ मैं। हे गाइस सो इट इज नेक्स्ट डे, कल रात को आने के बाद मैं इधर सो गया क्योंकि इतनी थक गया गाड़ी चला चला के। तो गाइस अब हम लोग जाने वाले वापस हल्द्वानी। बाय बाय टू हल्द्वानी, बाय बाय। बाय बाय टू हल्द्वानी। तो चलो गाइस, तो गाइस आपको पता है अब हम लोग जल्दी से चलते हैं घर वापस। अब बाय बाय टू हल्द्वानी। तो चलिए आज का सफ़र इतना ही। गाइस अब अरे यार ये गाड़ी लड़ गई यार, देखने वाले भी नहीं चला कहते। अरे यार दरवाज़ा खुल गया, बंद करो। अरे क्या हुआ, अरे थार का तो बम्पर ही निकल गया, देखने वाले भी देख के नहीं चला सकते पीछे से। गाइस एक और थार आ चुकी है, अब हम लोग जल्दी से थार में चलते हैं। अब ये गाइस आपको पता है ये थार कितनी अच्छी गाड़ी है, पर अब मैं जल्दी से चलता हूँ। गाइस आपको पता है मैं इसी रास्ते से आया था और यहीं से मैं मोड़ लेता हूँ क्योंकि हल्द्वानी तो यहीं पर से आया था। तो गाइस बाय बाय टू हल्द्वानी। गाइस आपको पता है हल्द्वानी में इतने रिलेटिव्स हैं ना मेरे लिए। अरे हट यार, हटने वाले भी नहीं हटते। बाय बाय टू हल्द्वानी, बाय। अरे मैं हल्द्वानी के अंदर क्यों एंटर कर दिया अब? अबे यार ये देखे नहीं भाग चलता। अब हम जल्दी से चलते हैं, यहीं से मोड़ लेता हूँ। बीच आएगा तो इतने खुले रास्ते होंगे ना, तब देखना। गाइस आपको पता है जब बीच आता है तो इतने खुले रास्ते हो जाते हैं। ये देखिए बीच आया, तो देखिए कहीं है एक, देखिए एक गाड़ी दो गाड़ी दिखी हैं और इसके अलावा। और ये देखिए, ये देखे, देख लीजिए गाइस आप लोग ये देख लीजिए। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, ओफ, ओफ। एक और थार। तो गाइस एक और थार आ चुकी है, अब हम लोग इसी से चलते हैं क्योंकि गाइस आपको पता है अब हम एकदम खुले रास्ते से। देखिए बीच आ चुका है, देखिए बीच यहाँ पे अब खुला रास्ता रहेगा, पर काफ़ी मोड़ है, मोड़ में चलाने में दिक्कत होती है। गाइस आपको पता है मैं मोड़ में भगा
तुम पर ये देखे मोड़, मैं भगाता नहीं उड़ाता हूँ मैं। ये देखो ये कैसे मोड़ी है, आपको देख लीजिए, ये देख ली कहीं चक्के लग रहे हैं, देख लीजिए, ये देख लीजिए आप सामने से। गाइस मैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी, बाय द वे था, अरे यार गाड़ी चला चला के तो पैर अकड़ गए। अरे यार गाड़ी कहीं पर रोक देता हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। काफ़ी गाड़ी रकड़, पैर तो चला कि थके, अब थोड़ा सा गाड़ी को रिलैक्स दे देते हैं। अब पैर बहुत रगड़ गए हैं, पैर में दर्द तो, पैरों में दर्द हो गया पता नहीं। यार मैं तो नहा के भी नहीं निकला, इतना पसीना आ रहा है एक। अरे यहाँ पर तो एक बीच है, चलो बीच ही में ही नहा लेता हूँ। गाइस आपको बताइए मेरे कपड़े वाटरप्रूफ हैं, आपको, आप लोग सोच रहे हैं कि ये कपड़े वाटरप्रूफ क्यों हैं, क्योंकि गाइस आपको बताइए कपड़े वाटरप्रूफ इसलिए हैं क्योंकि गाइस ये भीगते नहीं हैं, आपको पता है। मेरे मैं सिर्फ बनी मैं गाइस आपको पता है यहाँ पे एक, ये देखिए मैं तैर लेता हूँ थोड़ा सा। अब कुछ शांति मिली, नहा लिया, चलो चलो नहा लिया, देखो कपड़े गीले नहीं हुए पर चलो। तो गाइस अगर आप लोगों को ये, तो फिर अगर आपको गाइस आप अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो गाइस आप लोग डिसलाइक मत की करिए, क्योंकि गाइस अगर आप लोग डिसलाइक करते हैं तो बहुत गुस्सा लगती है, फिर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। पर मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइब टोटल टारगेट है हमारा, 1 मिलियन लाइक और सब्सक्राइबर 1 मिलियन यानी 2 मिलियन, मुझे को 15 मिलियन सब्सक्राइबर कराने हैं, 100 सब्सक्राइबर कराइए जल्दी से गाइस। अब देख ली अरे गाड़ी पलट जाएगी गाइस, मुझे जल्दी से पहुंचने हैं हल्द्वानी। गाइस आपको पता है हरियाणा में, नहीं हल्द्वानी नहीं हरियाणा, गाइज आपको पता है हरियाणा में तो मेरी एज हल्द्वानी सेम बिल्डिंग्स, हल्द्वानी की तरह सेम बिल्डिंग्स हैं। गाइज आपको पता है ये देखिए इतना खुला रास्ता, आप लोग देख लीजिए जरा, इतना खुला रास्ता है ना, रात भी नहीं हुई है, कोई एक कार भी नहीं दिख रही है, कोई मुराड़ कोई कार भी नहीं दिख रही है, देख लीजिए कोई सी कार आप लोग दिख रही, आप लोग कमेंट कीजिएगा कोई कार दिख रही है, देख लीजिए कोई कार भी नहीं है, देख लीजिए आप लोग देख लीजिए कोई सी भी कार नहीं है। गाइज अगर आप लोग डिसलाइक करेंगे मैं कभी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। गाइज आपको पता है ऐसे ऐसे ट्रैवल कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि गाइज क्योंकि मैं खुद ही अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करते हुए मैं कमेंट्स की रिप्लाई कम ही कर जाता हूँ, क्योंकि गाइज अब पूरा दिन ट्रैवल करना है, रात को फिर एडिट करना है और फिर थक भी जाऊँगा तो सो जाऊँगा, तो मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई कम ही कर पाऊँगा क्योंकि मैं अभी खुद ही हूँ, खुद ही ट्रैवल कर रहा हूँ हरियाणा में। अभी गाइज आपको पता है हरियाणा बस आने वाला है, क्योंकि गाइस अभी 500 किलोमीटर रहे, क्योंकि गाइस अब 300 किलोमीटर रह गया है बस, अब हम लोग पहुंचेंगे 5 घंटे में, तो पाँच घंटे लग जाएंगे आज पहुंचने में। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, 5 घंटे पता नहीं कब होते उनके। अब यहाँ से पता नहीं कहाँ मुड़ूँ, अब यहीं मोड़ लेता हूँ, ये लीजिए। अरे कहाँ गया, अरे 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 एक मिनट, फाइनली पहुँच चुके हैं।
पहुंच चुके हैं हरियाणा। सामने ये देख ही लीजिए, वो दिख रहा होगा, ये हरियाणा सिटी के अंदर एंटर करने वाले हैं बस थोड़ी देर में। वो देखिए स्टंट्स दिख रहे होंगे। और ये देखिए हरियाणा की एक बिल्डिंग दिख गई मुझे। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं घर पे, क्योंकि गाइस आज का सफ़र इतना ही था 450 किलोमीटर का। अरे अरे यार, फिर ये गाड़ी भी लड़ गई। तो गाइस हम लोग एक और थार ले आए, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं घर पे। तो गाइस अब हम लोग मम्मी, तो गाइस घर यहाँ से अभी रह गया है 15 किलोमीटर। तो गाइस अभी 15 किलोमीटर, अभी एक और ड्राइव करनी है 15 किलोमीटर लंबा। अरे 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 अरे, देखने वाले के भी देखे के नहीं चलाते, गाड़ी नहीं आती इनको चलाने पर। तो गाइस एक और थार भी आ चुकी है, ये देख लीजिए, देख लीजिए थार क्या मस्त है। गाइस आपको पता होगा कि पहले थार का कलर रेड नहीं, पहले आपको पता है कि थार का कलर रेड नहीं था, अब रेड नहीं था, पहले ब्लैक था, जो कि अब रेड हो चुका है। गाइस ये देखिए, गाइस एक मिनट, कुछ सामने दिख रहा है, वो रहा सामने मेरा घर। फाइनली पहुंच चुके हैं, वो रहा घर। शाम के 5:16 हो चुके हैं, पूरे रास्ते का सफर। लीजिए मैं सामान निकाल लेता हूँ, सामान भी निकाल लिया, अब चलते हैं। दो बाइक्स अपनी खड़ी हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। रेस्ट कर लिया, गाड़ी चला चला के। आज गाइस ये देखो घर को, इतने दिनों से मैं मिस कर रहा था, अपनी बाइक्स भी यहीं पर खड़ी हैं। अरे एक काम, एक मिनट, अरे मैं ये कहाँ आ गया, अरे 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 आ सिर पे लग गई, ठीक हो गई होगी। कहाँ गया खून, भाग गया, आज पूरा दिन पूरी ठंड लग गई है मुझे यार, मैं बीच में ना आया हूँ, क्या आया हूँ। अरे मेरा मन कर रहा है गाड़ी चुड़ाने को, पर चुड़ा लेते हैं कोई सी लैम्बोर्गिनी बोल दे। तो गाइस ये देखिए मेरे को एक गाड़ी चुड़ाने को मिल चुकी है, लैम्बोर्गिनी। गाइस ये देखिए हमारी प्यारी सी लैम्बोर्गिनी, पर इसको खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं दी गई है। एक काम करता हूँ, यहीं इन खम्भों के बीच में, ये देखिए आर पार हो गई गाड़ी, और देख लीजिए अब उतर जाता हूँ कार से। गाइस अब हम लोगों के पास दो कार हो गई हैं, कार बाइक्स। गाइस आपको अब कल बाइक दिखने को मिलेंगी, क्योंकि गाइस
अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। कमेंट कीजिएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो होप यू गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले ट्रैवल में मिलेंगे, ट्रैवल सब में मिलेंगे। ओके बाय बाय गाइस। गाइस अब हम लोग आपको कल अपना होम टूर देंगे, क्योंकि गाइस आपको पता है मैंने आपको होम टूर भी नहीं दिया था। तो गाइस अब हम लोग कल आपको दे देंगे। तो गाइस अब मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया, जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल जल्दी से। गाइस अब हम लोग ऐसे ही ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं, और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।